दिस इज़ इजाज़ अवान और आज का हमारा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और आज हम इसको देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, इनको कैसे स्टडी करना है। इनके अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक बात हो रही है पॉलीहाइड्रोक्सी और दूसरी बात हो रही है कि इसकी एल्डिहाइड या फिर क्या हो सकता है वो कीटोन हो सकता है। ये तो हो गई इसकी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन। वर्ड कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, वर्ड कार्बोहाइड्रेट जो डिराइव हुआ वो वर्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है उसके नाम से पता चल रहा है। वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन की अगर बात करें तो इसका मतलब कार्बन जिसमें क्या है पड़ा, वाटर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन और साथ क्या लिखा हुआ है, H2O। साथ उसके दो चीजें मेंशन की हुई हैं, X और Y। यहाँ पे X और Y दोनों सेम भी हो सकते हैं, X और Y यहाँ पे क्या होते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन और वाटर का कॉम्बिनेशन होगा जो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा। वर्ड कहां से डिराइव हुआ, वर्ड डिराइव हुआ सैकेराइड से कि इनको हम क्या कहते होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी कहते हैं। शुगर्स इनका मतलब होता है, सैकेरॉन ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है शुगर, लैटिन में सैक्रम होता है जिसका मतलब क्या होता है शुगर। तो इनका नाम आगे हम पढ़ेंगे, इनके नामों के साथ क्या लफ्ज आएगा, सैकेराइड का वर्ड आएगा। सैकेराइड्स का मतलब क्या होगा, ये शुगर्स होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और अगर केमिस्ट्री वाला इनका नाम देखा जाए कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वहां पे क्या होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आपके यहाँ पे होंगे कि व्हाई दे आर कॉल्ड सैकेराइड्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ऊपर एक डेफिनेशन हो गई और वो कौन सी थी कि उनकी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स डेली लाइफ में हमें कहाँ पे मिलते हैं, कि अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात तो होगी केमिकल्स हैं, लेकिन ये केमिकल्स होते कहाँ पे हैं, क्या रियल लाइफ में होते भी हैं ये केमिकल्स? तो ये केमिकल्स होते हैं तकरीबन तमाम फ्रूट्स में होते हैं, ग्लूकोज सुक्रोज की फॉर्म में, क्योंकि फ्रूट्स मीठे होते हैं। फिर वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी हो सकते हैं, ग्लूकोज और सुक्रोज की फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। और मिल्क में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है वो मिल्क को स्वीट टेस्ट देती है, लेकिन इतना ज्यादा स्वीट नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज जो है वो एज ए शुगर यहाँ पे होगी, ये कार्बोहाइड्रेट होगी। दे आर फाउंड इन सीरियल्स, के सीरियल्स होते हैं अनाज जितनी भी होती है, गंदम दालें इस तरह की जितनी भी, जौ इस तरह के जो जिसको हम एज ए रोटी के तौर पे यूज करते हैं, कि गंदम हो गई जौ हो गई इस तरह के जितने भी हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इनमें क्या होता है माल्टोज या फिर स्टार्च होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दे आर यूज इन स्वीटनिंग एजेंट इन बेकरी आइटम्स के अंदर, या मिठाई बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं कई कार्बोहाइड्रेट जो हमने रियल लाइफ में नहीं सुने हुए होते, लेकिन वो क्या होते हैं एज ए स्वीटनर यूज होते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट जो होता है वो आम चीनी से या ग्लूकोज से तेज होता है। फंक्शन क्या होता है कि अगर ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हम रियल लाइफ के अंदर तो होते हैं, लेकिन फिर ये काम क्या करते होते हैं, अगर देखा जाए तो ये क्या काम करते होते हैं, वाइटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये कैसे होता है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बड़ी, वो चाहे बैक्टीरिया है, ह्यूमन बीइंग है, या कोई भी एनिमल या प्लांट है, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी कहाँ से लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और 2 by 3 टू लेके कितने 1 by 2 यानी कि हाफ, यानी कि 3 में से 2/3 या फिर कितना आधा हिस्सा, वो क्या होता है हम अपनी फूड का क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके एनर्जी मिल सके। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसका, प्लांट्स की सेल वॉल का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सेलुलोज होता है जो कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। एनिमल में अगर इस एनर्जी को स्टोर करना हो तो स्टोरेज रिजर्वायर में क्या होता है ये ग्लाइकोजन के तौर पर काम करता है, और अगर प्लांट्स हैं तो इसमें ये एज ए स्टार्च क्या होता है ये स्टोरेज के तौर पर काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। टाइप्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो किसके ऊपर होती हैं, दो तरह की टाइप है पर उसके ऊपर, यहाँ पे अगर हम उसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पहली टाइप है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप वाली, दूसरी टाइप है कौन सी कीटोन ग्रुप वाली, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ी थी दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स।
अब यहाँ पे एल्डिहाइड की अगर एग्जाम्पल देनी हो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसकी बनती है, ग्लूकोज की बनती है। ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे क्या होता है, एक एल्डिहाइड वाली शुगर है या एल्डोज शुगर है। इनके नामों के साथ क्या लगाते होते हैं, एल्डोज लगाते होते हैं। कीटोन वाली अगर शुगर की बात की जाए तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल बनती है कौन सी, फ्रुक्टोज की। कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों छह कार्बन वाली यहाँ पर, इसमें क्या होगा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कौन सा होता है कीटोन ग्रुप होता है। अगर हम इस साइड पे देखें तो ये दो जनरल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड देखें तो एल्डिहाइड में क्या होता है, ये कार्बन होती है, कौन सी, कार्बोनाइल कार्बन होती है। इसके साथ C डबल बॉन्ड O होता है, एक साइड पे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ होता है और एक साइड पे उसके क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। सेम इसी तरह इस साइड पे देखें अगर कीटोज ग्रुप को, कीटो ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन होती है, उसके साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन हो गई। और इसके एक साइड पे भी क्या होता है, आर ग्रुप होता है यानी कि कार्बन वाला ग्रुप होता है, और दूसरी साइड पे भी क्या होता है, कार्बन वाली चेन होती है। तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, कीटो शुगर या कीटो फॉर्म बोलते होते हैं। और ये कौन सी फॉर्म होती है, एल्डो फॉर्म होती है। नेक्स्ट टाइप जो हमने पढ़ी है वो कौन सी है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ किसके, एनोमेरिक कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम देखें एनोमेरिक कार्बन की बेस के ऊपर, उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है रिड्यूसिंग शुगर की, एक टाइप होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं दैट कैन रिड्यूस कौन से, कॉपर प्लस टू आइंस और कॉपर प्लस थ्री आइंस को करते हैं, और खुद वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनकी जो ऑक्सीजन होती है वो अटैच नहीं होती, इसकी वजह से इनकी रिंग क्या होती है, खुल जाती होती है। अगर रिंग खुल जाएगी तो वहां पे फिर क्या होगा, इनको क्या कर सकती है, वो रिड्यूस कर सकती है, वरना अगर वो रिंग बंद रहेगी तो फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बनती है ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज की जो रिंग होती है वो ओपन हो सकती है, ओपन होते ही वो क्या करती है, रिएक्शन शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे वो आइंस को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। कॉपर प्लस टू को अगर रिड्यूस करेगी तो कॉपर प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन प्लस थ्री को करेगी तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे कैन नॉट रिड्यूस कॉपर प्लस टू और आयरन प्लस थ्री आइंस को रिड्यूस नहीं कर सकती, और साथ क्या होता है, देयर रिंग्स जो होती हैं आर क्लोज एंड कैन नॉट गेट ओपन, कि वो रिमूव नहीं हो सकते, ओपन नहीं हो सकते, इसीलिए वहां पे क्या होता है वो आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मोनोमर्स। मोनोमर्स की बेस पे अगर हम बात करें तो इसके तीन टाइप्स बनती हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली टाइप होती है वो मोनोसैकेराइड होती है, जो कि सिंगल यूनिट से बनती है। दूसरी टाइप जो होती है इसकी कौन सी होती है, ओलिगोसैकेराइड होती है, जो इसमें मोनोसैकेराइड्स के 2 to 9 यूनिट्स होते हैं। और तीसरी टाइप कौन सी होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, कि पॉलीसैकेराइड होती है इस मोनोसैकेराइड यूनिट्स को अगर हम बहुत ज्यादा लंबी चेन में कन्वर्ट कर दें तो इसको क्या कहते होते हैं, हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते होते हैं। इन्हीं तीन को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो ज्यादातर जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कौन सा होता है आपका, इन तीनों कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, इनके एक एक ग्रुप को, इसके अंदर जितनी एग्जांपल्स हैं उनकी एग्जांपल्स को स्टडी करना है, उनके स्ट्रक्चर्स को करना है, और आखिर में फिर उनके रिएक्शंस को देखेंगे। अब मोनोसैकेराइड्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेपर का हिस्सा है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू और सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस इस पार्ट में से आएंगे, कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं। पूरी सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें मोनोसैकेराइड्स को, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो सैकेराइड्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल शुगर हों और हाइड्रोलाइज ना हो सकते हों, यानी कि वो हाइड्रोलाइज होने के बाद कार्बोहाइड्रेट जनरेट ना करते हों बल्कि किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हों, उसको हम क्या कहते होते हैं, मोनोसैकेराइड। कि हाइड्रोलाइज करके हम इसको तोड़ तो सकते हैं लेकिन फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, तो हाइड्रोलाइज नहीं होते, लेकिन क्या होता है साथ कि अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहते। जनरल फार्मूला की बात करते हैं, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, CH2O, यानी कि इसमें कार्बन और वाटर वाला फार्मूला होता है, वही जो हमने पहले पढ़ा था। कार्बन और वाटर के साथ यहाँ पे देखें तो कार्बन का एक्स
और वाटर का वाई जो था वो दोनों यहाँ पे क्या है सेम है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके नामों के आखिर में सफिक्स ओज आती है और मोनोसैकेराइड्स के नाम के आखिर में भी क्या आती है ओज आती है और किसके साथ उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ। जैसे कौन से अगर तीन कार्बन वाला है तो ट्रायोज होता है, चार कार्बन वाला है तो टेट्रोज होता है, पांच कार्बन वाला होगा तो पेंटोज और छह कार्बन वाले को क्या कहेंगे हम हेक्सोज कहेंगे। अब यहाँ भी क्या है कि ट्रायोज मैंने एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे ट्रायोज यानी कि तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाले में क्योंकि वैरायटी ज्यादा हो जाती है तो इसीलिए उनके फिर स्पेशल नाम होते हैं जो उनके आइसोमर के ऊपर बेस करते हैं। तो यहाँ पे एक आइसोमर उसका होता है एरिथ्रोज होता है। पांच कार्बन में एग्जाम्पल एक बनती है और वो कौन सी होती है राइबोज होती है। छह कार्बन वाले की दो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस हमारा इन दोनों पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों छह कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट हैं और कौन से मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर हैं यानी कि छह कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ये क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं और व्हाइट कलर के होते हैं, मोस्टली व्हाइट कलर होगा। जैसे ग्लूकोज को अगर देखें तो वो व्हाइट कलर का होता है और उसमें क्या होता है छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आ रहे होते हैं। क्रिस्टल्स की पहचान कैसे होती है कि अगर हम उसको ब्राइट लाइट के अंदर देखें तो वहां पे हमें क्या नजर आती है शाइन नजर आ रही होती है। वो शाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे टकराने के बाद क्रिस्टल्स के अंदर से लाइट हमें शो हो रही है। फिर अगर बात करें उनके टेस्ट की तो इनको चख के भी बता सकते हैं कि इनका टेस्ट क्या होता है स्वीट होता है और साथ क्या होता है दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं कि अगर हम इसको पानी में हल करें फौरन हल हो जाते हैं। नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं कि इनको हम हाइड्रोलाइज करके किसी और शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड मैंने पहले भी मिसाल दी है कि दो मोनोसैकेराइड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सबसे डिटेल में स्टडी करेंगे, वो कौन कौन से हैं ग्लूकोज है और कौन सा है फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज की बात करें तो ये कौन सी शुगर होती है एल्डोज शुगर होती है। एल्डोज शुगर की पहचान क्या होती है उसके एक साइड पे चेन के क्या होता है हाइड्रोजन होता है, कार्बोनाइल कार्बन होती है और फिर कौन सी होती है आर वाली चेन यानी कि कार्बन चेन होती है। कीटो शुगर की मिसाल में सबसे आसान मिसाल किसकी होती है फ्रुक्टोज की होती है। फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनाइल कार्बन और उसके एक साइड पे भी कार्बन ग्रुप होता है दूसरी साइड पे भी कार्बन वाली चेन होती है यानी कि आर होता है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है जब भी स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे इन दो स्ट्रक्चर्स में आपने एक चीज देखनी है कि इनके जो OH हैं वो सारे के सारे कौन सी साइड पे हैं बड़े दाई साइड पे हैं। ये सब कौन से आइसोमर्स हैं बड़े डी आइसोमर्स हैं बड़े डी आइसोमर्स और एल आइसोमर क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़े हैं लेकिन इसको हम अभी आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ते हैं कि डी और एल का मतलब क्या होता है और इसकी वजह क्या होती है कि हम इसको एक साइड पे लिखते होते हैं। इस पे देखें तो इनके स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं हमारे पास। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं कि हमने देखा ये जो कार्बन होती है ये अपनी जिस कार्बन के साथ अटैच है बड़े हम जो बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इस कार्बन को शो नहीं करते होते जस्ट इसकी जगह पे हम क्या करते होते हैं लाइन का कॉर्नर बनाते हैं। इस कॉर्नर का मतलब क्या होता है कार्बन होता है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द क्या होती है रोटेशन होती है। रोटेशन से हमारे पास क्या बनते हैं मुख्तलिफ उसके स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं और इन रोटेशंस को हम कन्फर्मेशंस कहते होते हैं। और कन्फर्मेशंस में अगर हम देखें अगर सारे के सारे OH कहाँ पे हों बड़े दाई साइड पे आ जाए पांच कार्बन वाली है हमें इनका नाम क्या बोलेंगे हम एल्डो पेंटोज के नाम के आखिर में ओज आ रहे हैं। पेंट का मतलब पांच कार्बन और एल्डो का मतलब एल्डिहाइड वाली फॉर्म की। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आप स्टीरियो आइसोमर्स लिखें किसके एल्डो पेंटोज के तो एल्डो पेंटोज के आइसोमर्स कौन कौन से बन सकते हैं ये चार आइसोमर्स बनते हैं। अगर सारे OH किसकी तरफ है बड़े दाएं साइड के ऊपर है बड़े तो इसका नाम क्या होता है डी दाएं यानी कि डेक्स्ट्रो वाला और साथ क्या होगा राइबोज के पांच कार्बन वाली डेक्स्ट्रो शुगर है। अगर उसमें से कार्बन जिन पे रोटेशन होती है रोटेशन को चेक करें तो कौन कौन सी कार्बन के ऊपर होती है ये पहली और लास्ट कार्बन इन दोनों के ऊपर रोटेशन नहीं होती। रोटेशन किन पे होती है जिनको हमने किसकी फॉर्म में लिखा है इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तीन रोटेशन वाले आइसोमर्स हैं बड़े लेकिन हम इसमें से दो को रोटेट कर सकते हैं क्योंकि इसको रोटेट करने से क्या होता है स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऑपोजिट आ जाता है या वो एल फॉर्म बन जाती है।
डिटेल टॉपिक, हम डिस्कशन में इसको पढ़ेंगे कि क्यों इसका OH दूसरी साइड पे आता है, और अगर दूसरी साइड पे आ जाए तो रोटेशन का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर पहला OH किस तरफ आ जाए, इसका दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चला जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एराबिनोज बोलेंगे। अगर उसमें क्या होता है, दूसरा कार्बन उसके ऊपर रोटेशन हो जाएगी, यानी कि रोटेटेबल कार्बन की कार्बन नंबर 2 अगर हम इसको कंसीडर करें और ये कार्बन नंबर 3 है, अगर इस पे रोटेशन हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम जाइलोज बोलते होते हैं। और अगर फिर कहां पे रोटेशन हो, इन दोनों पे एट ए टाइम रोटेशन हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, लिक्सोज बोलते होते हैं। तो इसके चार आइसोमर्स हैं बड़े, आपने इन चार आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स को याद करना है, ड्रॉ करना है, और इनको आपने बनाने का तरीका देखना है, इनके नाम साथ याद करने हैं, इन्हीं को देख के आपने इनके क्या बनाने है, एल फॉर्म को बना के चेक करें इनका मिरर इमेज। हमारे पास है एल्डोहेक्सोसिस। एल्डोहेक्सोसिस में क्या आएंगे, ग्लूकोज के सारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे आ जाएंगे। एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डो फॉर्म, और साथ कौन सी है, हेक्सोज शुगर, यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर्स। पहली शुगर्स को देखते हैं यहाँ पे, अगर सारे OH जो रोटेटेबल हैं, कि पहली कार्बन पे रोटेशन नहीं होती, लास्ट कार्बन पे रोटेशन नहीं होती, बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सब पे क्या होती है, रोटेशन होती है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 3, 4 पे होती है। अब ये 5 वाली पे रोटेशन अगर करते भी हैं तो उससे क्या होता है, वहां पे आइसोमर नया जनरेट नहीं होता। तो इसलिए हम कितने पे रोटेशन करेंगे, इन 3 पे रोटेशन को शो करेंगे। पहले कार्बन अगर किसी पे रोटेशन नहीं होती, सारे के सारे OH किस साइड पे हैं बड़े, दाएं साइड पे हैं, डी की तरफ हैं बड़े, तो फिर उसको हम क्या बोलते होते हैं, एलोज बोलते होते हैं। उसका नाम होता है, ये आपने नाम याद करना है, और साथ क्या है उसके, ये सब इसका नाम क्या होगा, डी एलोज होगा। फिर दूसरी अगर क्या है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या हो जाए, रोटेशन हो जाए और OH कहाँ पे आ जाए, दूसरी साइड पे आ जाए, तो फिर इसका नाम क्या बन जाता है, एल्ट्रोज बन जाता है। अगर दूसरी कार्बन के बजाय तीसरी कार्बन पे सिर्फ रोटेशन हो, बाकी सारे दाएं तरफ रहे, सिर्फ तीसरी पे रोटेशन हो जाए, तो इसको क्या बोलते होते हैं, ग्लूकोज बोलते होते हैं। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा होगा, जितनी भी पहले जो आपने FSC में पढ़ा होगा या और क्लासेस में पढ़ा होगा, कि ग्लूकोज पे तीसरे नंबर कार्बन पे OH दूसरी साइड पे होता है। तो उसका रीजन आपको इस अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो आइसोमर्स होते हैं उसमें से अगर तीसरे पे रोटेशन होता है उसका नाम ग्लूकोज होता है, और बाकी रोटेशंस वालों के नाम क्या होते हैं, कुछ और होते हैं। अगर वहां पे क्या हो, पहली और दूसरी दोनों पे रोटेशन हो जाए, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिर मैनोज होता है, कि इसमें पहली और यानी कि सेकेंड कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 इन दोनों के ऊपर रोटेशन हो जाए, तो फिर वहां पे इसका नाम क्या रखेंगे हम, मैनोज होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होता है, उसके कार्बन ये कौन सी है, कार्बन नंबर 2, 3 और 4, फोर्थ कार्बन के ऊपर देखें यहाँ पे क्या हो गई है, रोटेशन हो गई है। फोर्थ कार्बन पे रोटेशन हो और बाकी सारी पे क्या हो, OH दाएं साइड पे हो, तो इसको क्या कहते होते हैं, डी ग्लूकोज बोलते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडोज। आयोडोज की अगर बात करें तो यहाँ पे देखें रोटेशन कैसे है, अपनी कार्बन नंबर 2 पे रोटेशन है, 3 पे नहीं है, और 4 पे रोटेशन है। तो 2 और 4 पे अगर रोटेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते होते हैं, आइडोज बोलते होते हैं। अगर रोटेशन किसके ऊपर हो, हमारे पास कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 कंजक्टिव में हो जाए, तो इसको क्या बोलते होते हैं, हम गैलेक्टोज बोलते होते हैं। और लास्ट हमारे पास क्या, अगर हमारे तीनों रोटेशन हो जाए, कार्बन नंबर 2, 3 और 4 तीनों पे रोटेशन आ जाएंगी, तो इसको क्या बोलते होते हैं, टेलोज बोलते होते हैं। ठीक है, और डी क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके जो OH है वो कौन साइड पे है, दाएं साइड के ऊपर है, ये OH और ये OH कौन से हैं, दाएं साइड पे है, तो इसका नाम क्या होगा, टेलोस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बड़ी, जो डेफिनेशंस आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बड़े, वो डेफिनेशंस हैं जिनके बगैर पेपर नहीं बनता। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, कम से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन का आना लाजमी है आपके पेपर में, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है और इनका फर्क याद करना है, कि मोस्ट केसेस में स्टूडेंट्स इनका फर्क याद नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डेफिनेशन पूछी किसी की जाती है और वो दूसरे का आंसर लिख देते होते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं, द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज को बनाने का तरीका क्या होता है, मिरर इमेज के लिए आप एक एग्जांपल याद रखें, और वो किसकी एग्जांपल है, ग्लूकोज की एग्जांपल है।
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बनाना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे H, या इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इधर आप CHO भी लिख सकते हैं। CHO लिखने के बाद आपने कार्बन लिखते जाने हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन। 6 कार्बन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उनके OH लगाने हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज है पर तो ग्लूकोज पे रोटेशन कार्बन नंबर 3 पे होती है, इस पे रोटेशन करके इसके OH को इस साइड पे लिख देंगे। अब इसका मिरर इमेज बनाने का तरीका क्या होता है, मिरर इमेज बनाने के लिए आपने दोबारा इधर क्या करने हैं, 6 कार्बन लिखने हैं। 6 कार्बन लिखने के बाद आपने क्या करना है, अगर इधर OH लिखा हुआ है तो इस साइड पे भी क्या लिख देना है OH, इधर H लिखा हुआ है तो इधर क्या लिख देना है H, इस साइड पे OH है इस साइड पे भी उसके OH, इसी को देख के आपने क्या करना है, इस साइड पे लिखना शुरू करना है, वरना आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पे तरतीब लिखी हुई है वो इसके इस साइड पे तरतीब लिख दें, आपका मिरर इमेज बन जाएगा। इसको देख के आपने इसके ऑपोजिट लिखते जाना है, अगर इधर OH है तो यहाँ पे H आ जाएगा, इधर H है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सीक्वेंस आपने नोट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया और आपका क्या बन जाएगा, उसका L स्ट्रक्चर बन जाएगा। D और L का मतलब क्या होता है, एक तो मैंने सबसे आसान आपको देसी तरीका बताया कि जिसके सारे OH दाएं साइड में उसको क्या कहते हैं, दाएं हाथ वाला या डी ग्लूकोज कहते हैं, जिसके सारे लेफ्ट साइड में हो पड़े उसको कौन सा कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला, और उसको क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज। लेकिन जो इसका रियल फॉर्मूला है, रियल डेफिनेशन है कि वाई दे आर कॉल्ड डी एंड एल, सो इसका असल मतलब क्या होता है, उसको याद रखने का तो तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन इसको जो असल में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज और लीवो। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट, लीवो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होगा कि जब हम इसमें से लाइट गुजारेंगे और वो कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो लाइट को राइट साइड पर रोटेट कर देती है, और अगर हम लेफ्ट की तरफ रोटेशन देखें लाइट की तो उसको क्या कहते होते हैं, हम एल ग्लूकोज बोलते होते हैं। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके OH की साइड पे है, ये उसको लिखने का एक तरीका है, लेकिन रियल में जो डी का मतलब क्या होता है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को इस ग्लूकोज के सोल्यूशन में से गुजारें तो वो लाइट क्या होती है, रोटेट होके किस तरफ हो जाती है, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो वो क्या होगी, राइट साइड के ऊपर रोटेट हो जाएगी। राइट साइड पर रोटेट होने का मतलब क्या होगा कि ये कौन सा आइसोमर है, डी आइसोमर है। तो आपने अगर वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर इनेंशियोमर, तो आपने वहां पे क्या बताना है कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, डी और एल फॉर्म को कहते होते हैं इनेंशियोमर, और नीचे किसकी मिसाल देनी है, ग्लूकोज के ऊपर मिसाल बनानी है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ आपने इसको एक्सटेंड करना हो तो इसमें आप बता सकते हैं कि डी का मतलब क्या होता है और एल का मतलब क्या होता है। एपिमर्स बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा, एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट डिफर इन द रोटेशन एट ओनली वन कायरल कार्बन सेंटर, कि जिसमें क्या होता है एक कार्बन सेंटर में डिफरेंट होते हैं, बाकी वो तकरीबन दोनों क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं। मिसाल के तौर पे इसको सबसे आसान इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है ग्लूकोज के साथ। यहाँ पे देखें ग्लूकोज 6 कार्बन वाली होती है, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन हैं हमारे पास, और साथ क्या है उसके अंदर देखें ग्लूकोज के ऊपर रोटेशन कार्बन नंबर 3 के ऊपर हमने शो कर दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली वन कायरल सेंटर के ऊपर रोटेशन क्या और डिफरेंट आ रही हो तो उसको क्या कहते होते हैं, एपिमर बोलते होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम रोटेशन 3 कार्बन नंबर 3 पे तो रोटेशन है, लेकिन अगर मैं क्या करूं 2 पे रोटेशन कर दूं, अगर कार्बन नंबर 2 पर रोटेशन कर दूं तो ये क्या बन जाता है, मैनोज बन जाता है। मैनोज बन जाएगा तो मैनोज और ग्लूकोज ये एक दूसरे के क्या लगते हैं, एपिमर्स लगते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी लगते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक क्लास के अंदर 2 भाई पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्लास के स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन साथ भाई तो भी तो है ना, तो अगर बात करें इनकी तो ठीक है ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं एल्डोहेक्सोज के, लेकिन साथ के साथ इन दोनों का एक और रिश्ता भी है, और वो क्या है बड़ा, ये कार्बन के क्या है बड़ा, ये जो ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, एपिमर्स भी लगते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के एपिमर्स कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर देखें कार्बन नंबर 3 के ऊपर रोटेशन दोनों की है और कार्बन नंबर 2 में एक की रोटेशन है और एक पर रोटेशन नहीं है, तो जिस पर रोटेशन है और जिस पर रोटेशन नहीं है तो हम उसके हिसाब से उसको बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, C2 एपिमर होगा, कि इसके अंदर कार्बन नंबर 2 के अंदर किसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट आता है।
अगर कार्बन नंबर 4 पर रोटेशन करवा दी जाए, तो यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 4 पर रोटेशन और 3 पर रोटेशन, दोनों को रोटेशन करने से क्या नाम बन जाता है इसका, होता है ये गैलेक्टोज है और ये कौन से का होता है, C4 एपिमर होता है, क्योंकि इसके अंदर देखें ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन नंबर 3 भी सेम है, कार्बन नंबर 5 भी सेम है, सिर्फ फर्क किसका आ रहा है, कार्बन नंबर 4 का फर्क आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, C4 एपिमर्स कहेंगे, कि इसमें कार्बन नंबर 4 के ऊपर क्या है, रोटेशन में फर्क आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एनोमर। एनोमर क्वेश्चन भी बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा आपने इसकी डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। वो क्या है, आइसोमर्स दैट डिफर इन रोटेशन एट द एनोमेरिक कार्बन। उसके नाम में ही डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें एनोमेरिक कार्बन पे रोटेशन डिफरेंट आ जाए, ऑपोजिट आ जाए, उसको क्या बोलते होते हैं, एनोमर्स बोलते होते हैं एक दूसरे के। फिर वही मिसाल के इनकी जितने भी आइसोमर्स की एग्जाम्पल है, उसमें ग्लूकोज को आप रेफरेंस पॉइंट रखें और उसके साथ आप क्या करेंगे, सारी की सारी एग्जाम्पल्स बनाते जाएंगे। पहली मिसाल आप यहाँ पे देखें, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर अगर रोटेशन कहाँ पे अपनी, कि OH कहाँ पे आ जाए, ये नीचे वाली साइड पे आ जाए, ठीक है। इसका आसान सा हल होता है कि अगर ये OH और ये OH एक दूसरे के सिस पॉइंट के ऊपर आ रहे हो, सिस पॉइंट का मतलब क्या है, रियल में तो सिस की तरह नहीं है, लेकिन अगर क्या है, ये और ये OH दोनों सेम पॉइंट्स के ऊपर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, सिस की तरह, इसको एक नाम बोलेंगे और वो क्या होगा, अल्फा कार्बन बोलेंगे, कि यहाँ पे अल्फा रोटेशन है बड़ी, इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूको और पायरनोज। पायरनोज क्या है, एक नया वर्ड है बड़ा, कि अल्फा का मतलब तो समझ आ गया कि अल्फा कार्बन अगर OH नीचे की साइड पे है या इसके साथ सिस है, डी का मतलब कि ये दाएं हाथ वाला ग्लूकोज था, ग्लूको ग्लूकोज था, पायरनोज का मतलब, ओज भी क्या मतलब, शुगर है, पायरनोज का मतलब होता है 6 कॉर्नर वाली रिंग, ठीक है। ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ बच्चे अगर इसको नहीं प्रॉपर ध्यान देते तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास अल्फा डी ग्लूको पायरनोज, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अल्फा डी ग्लूको पायरनोज में आपने क्या करना होगा, अल्फा का मतलब ये ओ एच नीचे की साइड पे आएगा, डी का मतलब ये वाला ओ एच कहाँ पे आएगा, नीचे वाली साइड पे आएगा, और पायरनोज, पायरनोज का मतलब 6 कॉर्नर वाली यहाँ पे क्या है हमारे पास रिंग है। बीटा डी ग्लूको पायरनोज क्या मतलब है, बीटा का मतलब क्या होता है, ये वाला जो OH है वो किधर आ जाएगा, रोटेट होके ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, और ये OH और ये OH एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर आ रहे होंगे। इसको रियल वो सिस ट्रांस तो नहीं कहते, लेकिन उसके साथ एक किस्म का रिजेम्बलेंस शो करता है कि ये OH भी नीचे होता है और ये OH ऊपर होता है, ये दूसरे के ट्रांस पॉइंट पे आ रहे होते हैं। इनका नाम क्या होता है, बीटा डी ग्लूको पायरनोज, ठीक है। ग्लूको पायरनोज, ग्लूकोज और 6 कॉर्नर वाली रिंग, डी का मतलब के डेक्स्ट्रो शुगर है, और बीटा का मतलब ये OH ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। तो इस आपने इस जो टर्म है बड़ी एनोमर को अच्छी तरह याद कर लेना है। हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर और उनके नाम, अभी मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया, सबसे पहला काम क्या करना होता है, काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो जितने भी कॉर्नर है जिनपे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो उसका मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द कंफर्मेशन, कौन सी कंफर्मेशन है, ये डी है या एल कंफर्मेशन है, कौन सी है, और उसका नाम हमने यह बताना है कि ये ग्लूकोज है या कौन सी है। ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये देखें रोटेशन पहली दूसरी तीसरी के ऊपर रोटेशन क्या है, बड़ी ऑपोजिट आ रही है। तीसरे पे ऑपोजिट रोटेशन का मतलब क्या है कि ये कौन सा है, ग्लूकोज है, और क्योंकि OH नीचे वाली साइड पे है तो ये कौन सी है, डी फॉर्म है। काउंट करेंगे कॉर्नर्स, रिंग के कॉर्नर्स कितने हैं बड़े, रिंग के कॉर्नर देखें तो कितने हैं बड़े, टोटल 6 कार्बन, लेकिन छठा कार्बन रिंग से बाहर है। रिंग के कॉर्नर कितने हैं बड़े, टोटल तब भी 6 हैं बड़े, एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पायरनोज हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एनोमेरिक रोटेशन, रोटेशन इसकी चेक करनी है कि वो कौन सी है, अगर ये नीचे है तो इसका मतलब अल्फा, अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब बीटा। तो इसका नाम क्या बन गया हमारे पास, इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी है, अल्फा, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द कंफर्मेशन, ग्लूको कॉर्नर पायरनोज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा डी ग्लूको पायरनोज, ठीक है। इसने हमें बताया अल्फा है, ठीक है, इसने हमें बताया डी ग्लूको है, ठीक है, इसने हमें बताया पायरनोज है, ठीक,
और ये कार्बन एटम ने भी हमें क्या बताया, कंफर्मेशन को हेल्प की कि हमें बताया कि ये कौन सी कंफर्मेशन है बड़ी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कि अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ दें, मोनोसैकेराइड्स से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना होगा। बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन को जो लिपिड्स वाला टॉपिक है या प्रोटीन्स वाला टॉपिक है उसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो आप एक चीज ध्यान में रख लें और वो क्या है, ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक के वर्ड में ग्लूको का वर्ड आ रहा है, ग्लू का वर्ड आ रहा है, ग्लाय का वर्ड आ रहा है, आपने इस पे ध्यान रखना है वर्ड पे। ग्लूको या ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो डेफिनेशन सबसे आसान तरीन बनती है, बॉन्ड यूज टू मेक ओलिगोसेकेराइड्स या बॉन्ड यूज टू ज्वाइन टू मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, इट कैन ज्वाइन टू मोनोसेकेराइड। सबसे आसान तरीन एग्जाम्पल, सबसे आसान डेफिनेशन है इसकी, और वो क्या बनती है, इट कैन ज्वाइन टू मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड होता है। अगर आपने याद कर लिया है कि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, तो आपको हर वक्त याद होगा कि ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड का मतलब होता है द बॉन्ड दैट कैन ज्वाइन टू मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड का फायदा क्या होता है, इट इज यूज टू मेक ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। फॉर्मेशन कैसे होती है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो दोनों का कंबाइन होता है, कंडेंस होता है और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके बॉन्ड बन जाता है। ये हमारे पास दो रिंग है, एक ग्लूकोज है बड़ी, दूसरी कौन सी है, फ्रुक्टोज की रिंग है। इन दोनों के ये OH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है जिनको हमने क्या करवाना है, कंडेंस करवाना है। कंडेंस करवाएंगे तो यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H रिमूव होगा, H और OH मिलके वाटर बना के रिलीज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हमारे पास ये किस चीज का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो क्या होता है, दे कंसिस्ट ऑफ 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। अगर उसके मोनोमर्स 2 हो तो डाइसेकेराइड, 3 हो ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड सो ऑन उनके नाम बनते जाते हैं। फिर इनकी सबसे मशहूर मिसालें जो हैं उनको आपने याद करना है, इनकी डिटेल आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है। सुक्रोज के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी आपने बुक में से पढ़नी है वो सारी आपने नोट करनी है और याद करनी है। यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ें तो क्या बनता है, सुक्रोज। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ने से बनता है। लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज की अगर बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़ें तो लैक्टोज बनता है। रेफिनोज ट्राइसेक्राइड की मिसाल है, गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अगर जोड़ें तो क्या बनता है, रेफिनोज बनता है। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं कि यहाँ पे स्लाइड के अंदर अगर उसको मेंशन करें तो ये काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा टॉपिक, इसको आपने बुक में से याद करना है। और उसमें आपने याद क्या करना है कि इसका क्या है, ग्लूकोज को कैसे जोड़ेंगे तो फ्रुक्टोज बनेगा, ये सारी डिटेल भी वहां पे मेंशन की हुई है। एक मैंने आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के तरीका ऊपर मेंशन कर दिया इससे लास्ट टॉपिक में। बाकी आपने इनके क्या याद करनी है, प्रॉपर्टीज याद करनी है, इनके यूजेस याद करने हैं। लेट्स सपोज सुक्रोज कहाँ पे होती है, फ्रूट्स में होती है, ये चीनी का दूसरा नाम सुक्रोज होता है। माल्टोज सीरियल में होती है, जितने भी अनाज होते हैं। लैक्टोज मिल्क में होती है। तो ये आपने सारे इनके क्या करने हैं, याद करने, इनके फंक्शंस ये होते कहाँ पे हैं, क्या क्या यूज होता है इनका। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे यूनिट्स जुड़ जाए तो उसको क्या कहते होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बोलते होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो क्लासिफाइड करते हैं बेस के ऊपर किसके, मोनोमर्स की, और साथ उनकी लिंकेज टाइप पे बेस करते हैं। अब कुछ पॉलीसेकेराइड्स की मिसाल यहाँ पे देते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और डेक्सट्रेंस। इस तरह की मिसालें क्या है बड़ी पॉलीसेकेराइड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। इनका आपने डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं जाना, इनके आपने सिर्फ क्या याद करने हैं, फंक्शंस याद करने के, स्टार्च क्या काम करता है, ग्लूकोज, सेलुलोज क्या काम करता है, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रेन का फंक्शन क्या होता है, कौन सी लिंकेज टाइप होती है और कौन सा मोनोमर होता है, कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इनके मोनोमर्स,
लिंकेज टाइप के ऊपर इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इनके यूज बताएंगे इन डेली लाइफ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, मोनोमर की बात करें तो इसमें होमो पॉलीसेक्राइड्स आते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, होमो का मतलब सेम, पॉलीसेक्राइड तो यहाँ पे सेम मोनोमर्स अगर पूरी चेन में हो, यानी कि एक ही मोनोमर रिपीट होता जा रहा है, और उसको क्या कहेंगे हम, होमो पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, उसमें सिर्फ क्या होता है, ग्लूकोज की लंबी चेन होती है और ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बन जाता है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, डिफरेंट स्टाइल से रिपीट हो रहे होंगे, जिसको क्या कहेंगे हम, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, दे हैव डिफरेंट मोनोमर्स इन चेन के, उसके क्या होते हैं, मोनोमर्स भी डिफरेंट होते हैं और चेन के अंदर आ रहे होते हैं। मिसाल किसकी होती है, ग्लूकोसामाइन ग्लाइकेन्स या इस तरह के जितने भी हमारे पास और होते हैं, वहां पे क्या होगा, डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं उसके मोनोमर्स यूनिट होते हैं। यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इन सबको आपने डिटेल से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह प्रिपेयर करना है। मोस्ट आपने कौन से तीनों सैकेराइड्स को, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, जो इसका कॉन्सेप्ट वाइज था, आपको जो मैंने आइसोमर्स वाला करवाया है, आइसोमर्स को आपने डिटेल से अच्छी तरह याद करना है, तो आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। लास्ट आप और विजिट करनी है, आपने हमारी वेबसाइट भी विजिट करनी है और आपने चैनल को विजिट करना है, वहाँ पे और बाकी लेक्चर भी हैं, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको लेक्चर के अंदर तो आप वो प्रॉपरली डिस्कस करें, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, या आप वो जूम ऐप पे कर सकते हैं इसको डिस्कस, तो वहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी बुक के साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप बताएं, आपको बुक में से उसको गाइड कर दूंगा कि किस तरह हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है।